संगठनों की जो याचिकाएं कानूनों को लेकर सुनवाई चल रही है सुप्रीम कोर्ट में, उस संबंध में हमसे किसान संगठनों की तरफ से एफिडेविट मांगा गया था। साफ तौर पर कहा गया गणतंत्र दिवस 26 जनवरी की परेड के लिए हमारे किसान संगठन पूरी तरह से शासन प्रशासन से सहयोग करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने किसान संगठनों से 26 जनवरी को निकलने वाले ट्रैक्टर रैली के लिए एफिडेविट मांगा था, जिसे दायर करते हुए भारतीय किसान यूनियन के वकील एपी सिंह ने कहा था कि किसान शांतिपूर्वक तरीके से प्रशासन के साथ मिलकर दिल्ली में रैली निकालना चाहते हैं। इसके खिलाफ दिल्ली पुलिस ने एक हलफनामा सुप्रीम कोर्ट में दायर कर गुहार लगाई थी कि वो किसानों को दिल्ली में ट्रैक्टर रैली करने से रोके, लेकिन आज इस पर फैसला सुनाते हुए प्रधान न्यायाधीश एस ए बोबड़े, न्यायमूर्ति एस ए बोपन्ना और न्यायमूर्ति वी राम सुब्रमण्यम की पीठ ने कहा कि 26 जनवरी को निकलने वाली किसानों की रैली को वो नहीं रोकेंगे। इसे रोकने का हक दिल्ली पुलिस के पास है, जिसके बाद 26 जनवरी को प्रस्तावित ट्रैक्टर रैली को लेकर कोर्ट को गुहार लगाने वाली याचिका को केंद्र सरकार ने वापस भी ले लिया। दूसरी बड़ी बात, आज कोर्ट में उस कमेटी के लिए कही गई जिसका गठन इन कानूनों को समझने और इस पर फैसला लेने के लिए सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित किया गया था। चीफ जस्टिस ने इस पर नाराजगी जताते हुए कहा कि इस कमेटी का विरोध ठीक नहीं है। चीफ जस्टिस ने ये भी कहा कि कमेटी को फैसला लेने के लिए नहीं कहा गया है, सिर्फ लोगों तक बात सुनकर हमें रिपोर्ट देना है। हमने कानून पर रोक लगाई और कमेटी बनाई। चीफ जस्टिस ने कहा कि ये बात बिल्कुल बर्दाश्त नहीं की जाएगी कि सुप्रीम कोर्ट का इस कमेटी में शामिल लोगों में कोई इंटरेस्ट है। साथ ही उन किसान महापंचायत जिसने कोर्ट में ये अर्जी डाली थी कि कमेटी का गठन दोबारा किया जाए, उन सभी पक्षों को भी नोटिस जारी कर दिया गया है। हालांकि फिर भारतीय किसान यूनियन के वकील का इस कमेटी के बारे में क्या कहना है, आप सुन सकते हैं। कानूनों के संबंध में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा गठित कमेटी के सदस्यों की मीटिंग हो रही है, उसका कोई औचित्य नहीं रहता है, क्योंकि 4 सदस्यीय समिति गठित की गई थी, उसमें एक सदस्य ने विड्रॉल कर लिया है, अपने को वहां से समिति से वापस ले लिया है और 3 सदस्य रह गए। और 3 सदस्यों की भूमिका इन कृषि कानूनों को लेकर पहले से ही शक के दायरे में रही है। किसान ट्रैक्टर परेड में आतंकी गतिविधियों के होने का अंदेशा देश की खुफिया एजेंसी लगातार दे रही है। किसान ट्रैक्टर रैली पर रोक ना लगाकर देश की सर्वोच्च न्यायालय ने उग्र किसानों के हौसले तो बढ़ाए ही हैं, दिल्ली पुलिस की मुश्किलें भी बढ़ा दी हैं, क्योंकि किसानों का एक बड़ा जत्था जब देश की राजधानी में उस वक्त प्रवेश करेगा जब देश के गर्व की झांकी देखने के लिए पूरी दुनिया की निगाह भारत पर होगी। ऐसे में एक बड़ा और गंभीर सवाल ये कि क्या जब दिल्ली की सड़कों में टैंक के साथ ट्रैक्टर और जवान के साथ किसान उतरेगा, तो क्या कोई आतंकी संगठन इसका गलत फायदा नहीं उठाएगा।